हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अमित आईडी। क्या फ्रेंड्स, आप भी अपने यूट्यूब से किसी भी वीडियो को अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हो और इसका तरीका आप सभी को नहीं मालूम है, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा आप लोग कैसे किसी भी यूट्यूब वीडियो को अपने गैलरी में कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। हेलो गाइस, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूं और आप लोग को भी अपना मोबाइल फ़ोन लेना पड़ेगा। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि अपने YouTube से किसी भी वीडियो को हम लोग अपने गैलरी में कैसे सेव या डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोगों को कम्प्लीटली वॉच करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ यार नीचे लाइक का बटन होगा उसे दबाकर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रही। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग को करना क्या पड़ेगा, आप लोग को यहाँ पर अपना YouTube ओपन कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा जैसा मैं स्टेप बताऊंगा वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर YouTube ओपन कर दिया है, यहाँ पर ढेर सारी वीडियोस चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे जैसे कि अगर YouTube से कोई भी वीडियो या कोई भी सॉन्ग हमें डाउनलोड करना हुआ तो यहाँ से हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मुझे कोई सा भी एक वीडियो पसंद आ गया है, तो जैसे मैं यहाँ पर कोई सर्च कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फ़नी वीडियो सर्च कर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने फ़नी वीडियो को सर्च कर दिया और जैसे मैं सर्च करता हूँ यहाँ ढेर सारे फ़नी वीडियो आ चुके हैं। तो गाइज, अगर इनमें से का कोई सभी मुझे पसंद आ जाता है, मुझे डाउनलोड करना हुआ तो मैं यहाँ पर कैसे डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये द मिर्दुल वाला वीडियो है, मिर्दुल वाला, तो ये मुझे डाउनलोड करना हुआ। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको चला दिया और डाउनलोड करने के लिए इनसे डाउनलोड का ऑप्शन होगा। तो अगर यहाँ से आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको मैं आपको बताऊंगा करना क्या पड़ेगा। लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको, सॉरी दोस्तों, यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे डाउनलोड्स का ऑप्शन होगा, आपको डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। और अगर आपका ये डाउनलोड ओवर वाईफाई है, अगर ये आपका ऑन है, इसको सिंपल सा बंद कर देना पड़ेगा। और डाउनलोड क्वालिटी में आप लोग जिस क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ आप डाउनलोड क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको सीधा बैक कर देना पड़ेगा। बैक करने के बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे नीचे में, यहाँ पर कैप्शन आपको पर क्लिक करना पड़ेगा। कैप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग कैप्शन भी चूज करना चाहते हो, जैसे कोई कॉमेडी वीडियो चला उसमें जो बोल रहा है कैप्शन भी देखना चाहते हो, तो यहाँ पर ढेर सारे लैंग्वेज दिए गए हैं, आप लोग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लोग जहाँ से हैं आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर जैसे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी आ गई, मैक्सिमम क्वालिटी यहाँ दी गई है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ 24% हो चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये आपके गैलरी में सेव नहीं होगा, ना तो आपके गैलरी में डाउनलोड होगा। अब काफ़ी सारे बंदे यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, तो भाई YouTube में ऐसा कोई फीचर नहीं है जो कि आपके गैलरी में डाउनलोड हो सीधे। ठीक है, लेकिन मैं एक तरीका बता सकता हूँ जो आपके गैलरी में डाउनलोड हो सकता है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले गाइस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक करने के बाद ऊपर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साउंड सोर्सेज का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर माइक का म्यूट है तो आपको सिस्टम साउंड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप सभी को करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, तो फिर से यूट्यूब पर आ जाना पड़ेगा। यूट्यूब पर आने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आ जाती है तो आप लोग सीधा उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो आप बोल रहे हैं उसकी वॉइस नहीं आएगी, बट जो आपके मोबाइल के सिस्टम के अंदर से मोबाइल आ रही है उसकी वॉइस आएगी, उसमें उसकी वॉइस वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ से इजी तरीके से इसको इसकी रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकेंगे, उसके बाद आसानी तरीके से रिकॉर्ड करके और वहाँ पर आप लोग अपने गैलरी में सेव कर पाएंगे। दोस्तों यही तरीका है, YouTube में ऐसा कोई फीचर नहीं दिया गया है कि आप लोग डायरेक्टली YouTube से कोई वीडियो अपने गैलरी में डाउनलोड कर पाओ। हाँ, बस अपने YouTube वीडियो को यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर ऑफलाइन में सेव कर सकते हो, जब आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तब आप आसानी तरीके से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई हुई, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि भाई जो मेरा YouTube का वीडियो है मेरे गैलरी में कैसे सेव हो, तो मेरे Instagram पर DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर देता हूँ। मैं 100% बता सकता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड होगा YouTube का वीडियो गैलरी में कैसे सेव है, लेकिन गाइज मैं यहाँ पर नहीं बता सकता,
मुझे इस वीडियो से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं कुछ बता दिया तो, वहाँ पर अगर मुझे DM करोगे तो मैं वहाँ पर डायरेक्टली आपको बता दूँगा कि कैसे डाउनलोड होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।